हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। आज का ये वीडियो बेस्ड है रेजिस्टिविटी पर, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है कुछ, और वो कंडक्टर किसी मटेरियल का भी बना होगा, ये सब सारी बातें उसके पास रहेंगी ना, तो अगर ऐसा है तो रेजिस्टिविटी क्या चीज है। या आज हम ये समझने वाले हैं कि कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर ही क्यों कर रहा है, क्या बात सही है? हालांकि ये वाला रीजन तो मैंने लास्ट टाइम ही आपको बता दिया था कि उसके पास फिक्स पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से वो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्लियर है? आयंस होते हैं जिसके कारण वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो वो तो रीजन आपको पहले से ही पता है। लेकिन ये जो टर्म रेजिस्टिविटी जुड़ी होती है इसके साथ, वो क्या चीज है, मैं आज आपको बताता हूं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करता है और माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है। अच्छा, माइनस एंड को हम लोग लोअर पोटेंशियल जोन बोलते थे, प्लस को हायर पोटेंशियल जोन बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? ओके, तो करंट हायर पोटेंशियल जोन से लोअर पोटेंशियल जोन और लोअर पोटेंशियल जोन से हायर पोटेंशियल जोन की ओर ये इलेक्ट्रॉन आएगा। इतनी बातें स्पष्ट हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, और ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस करंट के फ्लो करने का क्या करेगा, अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस इस कंडक्टर के थ्रू, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है इस कंडक्टर का, तो इस कंडक्टर के थ्रू जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के फ्लो करने का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज। ठीक है, ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, ये रेजिस्टेंस कई बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, कि ये कंडक्टर कितना लंबा है उस पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमने देखा कि ये एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको बढ़िया लॉजिकल आंसर दिया है, पिछला वीडियो आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमने देखा कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो चार ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते थे, और जिसमें रिलेशन भी हमने पाया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। हमने यहाँ पर रिलेशन देखा था कि R इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, और कंडक्टर के केस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये किसके लिए, ये कंडक्टर्स के लिए, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये किसके लिए, ये इंसुलेटर्स के लिए। क्या बात सही है? इतनी बातें हम लोगों ने देख रखी थी। क्या बात सही है? एकदम सही है सर, इतना तो पढ़ लिया था, इसके बारे में समझ भी लिया है। अब यहीं से चीजों को हम उठाएंगे। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने, यहीं से कुछ रिलेशंस को हम लेंगे और अपने आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। यानी जो आज का हमारा उद्देश्य है, जो मोटो है इस पूरे क्लास का, कि रेजिस्टिविटी पढ़ें, उसके लिए हमें यहीं से लेना पड़ेगा। तो वी नो दैट, खूब ध्यान से समझिए इसको, एग्जामिनेशन में रेजिस्टिविटी बहुत आता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टिविटी आपके लिए खासा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितना थ्योरी में इम्पॉर्टेंट नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, 6 नंबर की जो इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड की बात की जा रही है, सीबीएसई बोर्ड में इस बार टर्म 2 में जो 6 नंबर की इलेक्ट्रिसिटी आपकी आएगी, उस 6 नंबर में कम से कम 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का ये कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात जान लीजिए, और ये नहीं पढ़ा तो ये जान लीजिए कि 100% तो नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं? आपने पढ़ा है और उसे अब मजबूत करना है, पूरा रिकॉल करना है बस। क्लियर? चलो बच्चे आ जाओ। तो वी नो दैट, क्या,
कि अगर कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आर है तो दैट रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. बिल्कुल पढ़ा है हमने सर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया तब. एंड जो आर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. मीन्स अगर एक कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, इस कंडक्टर की लेंथ एल है, इस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसमें जो रिलेशन मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. वेरी गुड. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो बाई इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से देखेंगे तो आरएचएस एलएचएस में आप देखेंगे एलएचएस सेम है, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे. तो बाई कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये मिल जाएगा. यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, एल बाई ए आ जाएगा. क्या बात सही है? एकदम सही है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. यहाँ पे जो ये रो है, ये रो क्या है, इसी रो को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी. क्या बोलते हैं? इसी रो को हम लोग रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो इस बात को आप दिमाग में बिठा के रखेंगे. क्या बात ठीक है? जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये छोटा सा डेरिवेशन आपके बड़े काम का है. अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो यहां पे आया है, ये यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के टर्म में आया. किसके टर्म में आया है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के टर्म में आया है, मतलब ये बदलेगा नहीं, ये बदलता नहीं है. और ये जो रो है, रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते क्या है? तो यहां पे इसको हम बोलेंगे क्या, रो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच इज, ऐसे लिखेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हम इसके बारे में लिखेंगे. तो रो क्या है, रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ये रेजिस्टिविटी है यानी रो, इसको पढ़ते क्या है बेटे, इसको देखो, इसको पढ़ते हम लोग आर एच ओ, ऐसे रो, हाँ एकदम साइलेंट में रखना रो. ओके, तो रो ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज द, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. खूब ध्यान से देख लो इस बात को, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की, रेजिस्टिविटी अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक कंडक्टर है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो इस कंडक्टर की जो ये रेजिस्टिविटी रो है, इस कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है. सर ये क्या उल्टी सीधी बातें आप बोल रहे हैं यार, बात कुछ नहीं है, बात ऐसी है कि एक कंडक्टर हमने लिया है, ये एक कंडक्टर है ए मान लेते हैं, इस कंडक्टर को पकड़ के हमने खींच दिया तो ये कुछ ऐसे पतला हो जाएगा, लेकिन लेंथ इसकी बढ़ जाएगी. देखो यहां पे लेंथ L1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, और ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1. तो लेंथ बढ़ा देंगे तो हमें पता है कि लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा. इसका एरिया पतला हो गया कुछ और लेंथ इसका बढ़ गया. ध्यान से समझो, एकदम स्पष्ट है बात. लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कॉपर का बना हुआ था तो ये मटेरियल कॉपर का ही रहेगा, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब अगर इसकी रेजिस्टिविटी को हम रो बोल रहे थे तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी. वो लेंथ बढ़ने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से नहीं चेंज होगी. क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है. तो रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी. जब तक हम मटेरियल ही ना चेंज कर दें
तब तक वो बदलने वाला नहीं है। क्या बात समझ में आया? तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बाय चेंजिंग इट्स लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बदल नहीं सकते हैं। बदला तभी जा सकता है जब उस कंडक्टर के मटेरियल पे कोई इफेक्ट पड़े। अब मटेरियल पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, मटेरियल में क्या ऐसा चेंज आ जाएगा? तो एक आ सकता एक तरीका है, अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मटेरियल पे इफेक्ट आ गया, मटेरियल के नेचर में चेंज आएगा। क्लियर है ना? तो रेजिस्टिविटी केवल और केवल डिपेंड करती है, केवल और केवल इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। किससे? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, याद रखना। तो रेजिस्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। क्या बात समझ में आया? एकदम सर समझ में आया। अगला देखते हैं बात। तो हमें मिल क्या गया, हमें मिला रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू सॉरी R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला, रो L बाई ए मिला, एकदम मिला। तो सर हमने कहा आपसे कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, L ये है, लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस R है और इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज R, दैट इज रो, दैट इज रो। तो हम कहेंगे कि सर इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहिए, R is equal to rho L by A, जो कि हमने लिखा भी। तो बात क्या है सर, बात ये है कि अगर हम माने, if हमने consider कर लिया, if length of the conductor कितना हो जाए 1 meter, unit length ले लिया, अगर area of cross section कितना ले लें 1 meter, वो भी unit ले लिया, तो 1 कहें चाहे unit कहें बात एक है, वो भी यूनिट ले लिया। तो अगर ऐसा करे तो होगा क्या, तो हम देखेंगे कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए में वैल्यू पुट करके देखेंगे तो रो इंटू 1/1 ये किसके इक्वल हुआ, R के इक्वल हुआ। क्या बात ठीक है? तो यहां पे हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू रो। ये एकदम दिमाग हिला देने वाला बात है, या इसको इस तरीके से लिख लें, रो इज इक्वल टू आर। अब एक चीज समझ में आई यहां पे कि भाई ये क्या है, तो सर ये तो रेजिस्टिविटी है, ये तो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये क्या है सर, तो ये तो केवल रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ये कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई, एक चीज समझ में ये आई कि जो स्पेसिफिक रेजिस्ट, अच्छा रेजिस्टिविटी कहें चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें बात एक है, तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल में कुछ और नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही है। देखो डेफिनेशन को समझ लो, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के ही बराबर है, लेकिन कब, जब उस कंडक्टर का लेंथ यूनिट हो, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, यूनिट हो, तो उस समय कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। क्या यह बात सही है? एकदम सर समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो इसको लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दी। देखो मेरी बात समझो, ये टॉपिक तो अब पढ़ाया जा रहा है आपको, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये वीडियो अगर आप पूरी नहीं देख रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो बच्चे, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ हम बता देने वाले हैं, तो बस आपको पूरा मन से ये वीडियो देखना है, ठीक है, देन आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द
conductor having unit length and unit area of cross section. क्या बात समझ में आई? मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूं, जान कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरी बात समझ लो. समय बहुत पर्याप्त है अपने पास, याद रखना समय बहुत है. आप यूज कैसे कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा. क्लियर है कि नहीं? बहुत ज्यादा टाइम है अगर आप सही से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको. अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो मेरे भाई बहुत कम समय है, याद रखना. ठीक है, तो सही से इस्तेमाल करिए, आपके पास समय पर्याप्त है. आप पूरा पढ़ करके बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं. कोई दबाव, कोई टेंशन मत लीजिए. बस आज अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो आज के लिए तैयार हो और जरूर आप अच्छा करेंगे. ठीक है, तो ये बात हमको क्लियर हो गई, हमने डिफाइन कर दिया रजिस्टिविटी. आगे देखते हैं, इसमें हमें जो ध्यान देना है वो है यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी. यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो यहां से फॉर्मूला हमको क्या मिला था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. रजिस्टिविटी चाहिए तो रजिस्टिविटी को एक तरफ रखिए, इस ए को इधर भेजेंगे तो ये ए ऊपर आ जाएगा, एल क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, एल क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये हो गया रो के बराबर. तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो यूनिट लिखना है ना, जल्दी बताओ. आर की यूनिट क्या होती है? ओम. एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर सर. एल की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकल गई? ओम मीटर. तो SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ये क्या है? ओम मीटर है. इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लेना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. ये बात आपके दिमाग में एकदम धस जानी चाहिए. क्या बात क्लियर है? एकदम क्लियर है सर. आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है. तो आओ बात करते हैं एक क्वेश्चन की. मैंने कहा था ना मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूंगा, तो आओ दोस्त क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको समझते हैं. मेरे भाई देखो, कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है इसमें, बस आपको समझना है. ये एक रेजिस्टेंस है, सॉरी ये एक कंडक्टर है. क्या है? कंडक्टर है. ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली ये कंडीशन है, एक केस एक तरीके का समझ लो. इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R1, इसकी लेंथ है L1. ध्यान से देख लो, इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है रो वन. कितनी है? रो वन. इसका लेंथ कितना है? ए वन. क्या बात ठीक है? यस सर, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बात है, आराम से चल रहा है कार्यक्रम. बताते रहिए आप बस लगातार स्पीड में. तो बिल्कुल, तो ये इस दूसरा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है आर टू, रेजिस्टिविटी रो टू है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू, और इसका लेंथ एल टू है. अगर मैं आपसे कहूं कि चलो जल्दी से यहां पे रो का फॉर्मूला लिखो, रो वन का, तो आप कहेंगे कि सर क्या बताएं, हमें आर वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से याद रहता है. तुम कहेंगे आर वाला लिख दो. आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो वन एल वन बाई ए वन. इसी तरीके से आर टू इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रो टू एल टू बाई ए टू. और हमने कुछ नहीं किया, हमने बस डिवाइड कर दिया. हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के रखा, इसको इक्वेशन टू मान के रखा, इसको डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया है मेरे भाई. तो यहां से हमको रिलेशन मिल जाएगा R1 by R2 is equal to rho1 by rho2. ये L1 by A1 है, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा A2 by A1. क्या हो जाएगा? A2 by A1. ये रिलेशन हमको मिल जाएगा. चलो कंडीशन हमने ले लिया, कंडीशन एक कंडीशन हमने रखा, इफ बोथ कंडक्टर हैव या मिड ऑफ ऐसे
मेड ऑफ सेम मटेरियल. अगर दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल से बने हों तो जल्दी बताओ, अगर मटेरियल सेम है तो क्या इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी कि सेम होगी? इनकी ये रेजिस्टिविटी, सॉरी ये है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी और ये रो वन और रो टू सेम होगा कि डिफरेंट होगा? आंसर है सर डिफरेंट. मटेरियल ही बदल गया तो रेजिस्टिविटी तो बदल जानी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. तो बिल्कुल सही है. तो आओ बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो रो वन है वो रो टू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए. कंडीशन यही रखा कि इफ रो वन इज इक्वल टू रो टू, मतलब है कि दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हों, तो होगा क्या होगा, ये कि R1 by R2 जो हमको मिलेगा वो मिलेगा, यानी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो खूब ध्यान से, ये वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे अगर दोनों बराबर हो गए. तो बचेगा क्या, देखो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये L2 है, चलो मिसप्रिंट, गलती से लिखा गया था, मिसप्रिंट करें, गलती से लिखा गया था. तो ये क्या हुआ, L1 by L2 को एक साथ ले लेते हैं. देखो इधर से L1 by L2 को एक साथ ले लिया, तो लिख लिया L1 by L2 को एक साथ. इसके बाद A2 by A1 को एक साथ ले लिया, ले लो A2 by A1 को एक साथ ले लिया, ये फॉर्मूला मिल गया. अब ये फॉर्मूला सर कहां पे काम आएगा, बता तो दिया आपने, पता नहीं क्या क्या इसमें बता दिया. और एक तो ये फॉर्मूला निकाला, एक फॉर्मूला तो आपको ये मिला और एक फॉर्मूला आपने ये निकाला, इन दोनों से क्या मिल रहा है हमें? तो इन दोनों से एक ऐसी चीज मिल रही है आपको जिसकी आपको खासा जरूरत है जानने की. देखो ध्यान से, एक कंडक्टर है, अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है आर वन, कितना है इसका रेजिस्टेंस है R1, इसकी लेंथ है L1, कितनी है L1, कितने है L1, इसको हमने तीन गुना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, तीन गुना बढ़ा दिया. अच्छा सर हमने किया क्या, हमने इस लेंथ को तीन गुना बढ़ा दिया. तीन गुना बढ़ा दिया का मतलब क्या है, पहले लेंथ L1 थी, अब ये थ्री टाइम्स बढ़ गई, तो थ्री टाइम्स बढ़ गई तो लेंथ कितनी हो गई, थ्री एल वन हो गई. क्या यह बात सही है, एकदम सही है सर. और हमें पता है कि अगर लेंथ बदल जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. तो वही आपसे पूछेगा कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस समथिंग है, इसकी लेंथ समथिंग है, इस कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दिया जाए, स्ट्रेच करके, कैसे, खींच करके बढ़ा दिया जाए, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा. तो मान लेते हैं यहां पर नया रेजिस्टेंस कितना होगा, आठ. यहां पे एक बात याद रखना है, खूब ध्यान से समझना एक चीज को, जल्दी से बताओ, इतना बड़ा सा ये रबर है, ये क्या है, रबर है. अगर इस रबर को पकड़ के हम दोनों तरफ से फोर्स लगा करके, दोनों तरफ से फोर्स लगा करके इसको खींचें, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा. क्या बात सही है, बिल्कुल सही है सर, ऐसा ही तो होता है. तो खूब ध्यान से देखो, इसकी लेंथ बढ़ी, जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ी, इसका ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो घटा कि नहीं,